खुद गाया गया है। पंद्रहवीं शताब्दी से आज तक अनगिनत बार युवक अनगिनत जगहों पर पहुंचा है। समझता हूँ आज की संज्ञा इसमें प्रयुक्त कुछ शब्दों कुछ छंदों पर अगर हम चर्चा करें तो अच्छा होगा। मन लागो यार फकीरी में, पराये सतगुरु कहते हैं जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी। क्या है फकीरी और क्या है अमीरी? सामान्यतः जनमानस के मन में छवि बसी हुई है कि जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत कम है उसकी हालत फकीरी जैसी है। भले उसने खुद त्यागा हो या परिस्थितिवश वो ऐसा हो, और जिसने खूब संग्रह कर रखा है खूब संचय कर रखा है वो अमीर कहलाता है। ये हमारी आम परिभाषा है फकीरी की और अमीरी की। पर जब कोई ब्रह्म पुरुष कोई सिद्ध कोई संत कोई अवतार इन शब्दों का प्रयोग करता है तो इन शब्दों में अलग ही प्राण आ जाते हैं। ये शब्द फिर सिर्फ शब्द नहीं रहते, बड़े अनूठे तरीके से सार्वभौमिक हो जाते हैं। क्या फिकर सभी को खा गई, फिकर की सरकार भी फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर ही सबका पीर, फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। फकीर ही समझनी है तो फिकर को समझना पड़ेगा। बिना फिकर को समझे फकीरी को नहीं समझा जा सकता। फिक्र का अर्थ है मन पर किसी भी विचार वस्तु या व्यक्ति का हावी होना, चिंता। कोई भी ख्याल किसी भी तरीके से यदि मन में मौजूद है पहुंचने का जाने का इस लोग का किसी और लोग का स्वयं का समाज का
नैतिक अनैतिक इस पार का उस पार का कोई भी विचार, कोई भी विचार किसी भी रूप में यदि मन में मौजूद है तो वो फिकर कहलाता है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, सामान्य लोग जिन्हें संसार का विचार रहता है, जिन्हें संसार की फिक्र रहती है, और भक्त जन या संत जन जिन्हें भगवान की मुक्ति की पुण्य की फिक्र रहती है। ये बड़ी आम परिभाषा है। कबीर साहब इस परिभाषा से कहीं कहीं आगे चले जाते हैं, वो इस परिभाषा में नहीं फंसेंगे। वो कहते हैं विचार तो कोई भी कर रहे हो, विचार तो विचार ही है, फिक्र तो फिक्र ही है। जो कहते हैं ना कि फिक्र सभी को खा गई, तो वो अलग अलग तरह की फिक्रों में भेद नहीं कर रहे। बस इतना ही कहा ना, फिक्र। कौन सी फिक्र, कैसी फिक्र, किस वर्ग की फिक्र, किस वस्तु की फिक्र, इस आधार पर कुछ भी अच्छा बुरा या ऊंचा नीचा नहीं ठहरा रहे। फिक्र कायम ही इसलिए रह जाती है क्योंकि हमें ये भ्रम होता है कि फिक्र के कुछ प्रकार तो ऐसे हैं जो अच्छे हैं, भले हैं। कोई यदि ये फिक्र कर रहा हो कि वो किसी से दुश्मनी कैसे निकालेगा, बदला कैसे निकालेगा, तो हमें जरा भी समय नहीं लगता ये कहने में कि क्या व्यर्थ विचार कर रहे हो। पर अगर कोई फिक्र कर रहा हो उन तथाकथित दायित्वों को पूरी करने की जो उसे उसके संस्कारों ने दिए हैं, तो हम कहते हैं कि ये फिक्र तो उचित है। और उससे भी ज्यादा, उससे भी आगे यदि कोई फिक्र कर रहा हो निर्वाण की, भगवत प्राप्ति की, तब तो हमें जरा भी संदेह नहीं होता कि ये उचित ही नहीं शुभ फिक्र है। हमने फिक्र के हिस्से बना दिए हैं। उचित अनुचित अच्छी बुरी फिक्र जिन्होंने जाना है उन्होंने ऐसे हिस्से नहीं बनाए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हिस्से भी वहीं से आ रहे हैं जहां से हमारी सारी चिंताएं आती हैं। जिन्होंने फिक्र दी है उन्होंने ही
ये विभाजन भी दे दिया है कि कौन सी फिक्र मान्य है, अनुमोदित है और कौन सी फिक्र अमान्य है। तो वो इस भेद में फिर पढ़ते ही नहीं है कि कौन सी फिक्र रखनी है और कौन सी छोड़नी है। सदगुरु कहते हैं ना अन्यत्र कि मन के मारे बंद है, घर छोड़ करके जंगल जाते हो और जंगल छोड़ करके वापस शहर आते हो। एक आदमी जो भटक रहा हो यूं ही सांसारिक चीजों की वस्तुओं की तलाश में, उसके भटकाव को बचकाना कहते हमें जरा सी देर नहीं लगती है। पर अगर कोई तीर्थ तीर्थ भटक रहा है तो हम कहते हैं ठीक। अब जरा गौर करिए कि जो भी कोई तलाश में है, जिस किसी को भी फिक्र है, वो अपनी नजरों में तो किसी न किसी उचित वांछनीय वस्तु की ही फिक्र कर रहा है। दूर बैठे रह करके, अलग खड़े हो करके आप निर्णय कर सकते हैं, आप घोषणा कर सकते हैं कि तुम जिसकी तलाश में हो, तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, वो बेकार है। पर जिसको फिक्र है वो स्वयं ही तो अपनी फिक्र को ऊर्जा दे रहा है, और वो अपनी फिक्र को ऊर्जा देता ही इसीलिए है क्योंकि उसे ये धारणा है कि उसकी फिक्र जायज है। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, हम में से कोई भी क्या कोई नाजायज फिक्र लेकर के चलता है? जिस किसी के पास चिंता है, देखिए वो कितना गंभीर है अपनी चिंता के बारे में। उसको यही लग रहा है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ, दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट, उलझी से उलझी चुनौती उसी के समक्ष है। फकीर वो जिसने मन के हिस्से करना छोड़ दिया हो, जिसने इस चक्कर में अब फंसना ही छोड़ दिया हो कि कोई विचार अच्छा है और कोई विचार बुरा है, कि कोई फिक्र उचित है और कोई फिक्र अनुचित है। हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें अंतर सिर्फ एक आधार पर होता है कि किसको किसकी फिक्र है, और इसी आधार पर वो सब एक जैसे हैं क्योंकि सबको किसी न किसी की फिक्र है जरूर। भेद उनमें सिर्फ इस बात का है कि किसको किसकी चिंता है। मैं यदि अभी यहां पर आप सबको एक कागज कलम दूं और कहूं कि लिखिए कि क्या छाया है आपके मन पर, क्या चाहिए आपको, किसकी परवाह कर रहे हैं, क्या है आपकी इच्छित वस्तु, क्या है जिससे आप डरते हैं, क्या है जो मन को कंपित किए रहता है, तो आप सब लिखेंगे जरूर कुछ ना कुछ।
जो लिखेंगे वो बेशक अलग अलग होगा, लेकिन कोई भी कोरा कागज नहीं लौटाएगा मुझे। 17 पर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम सब अलग अलग हैं, क्योंकि हमने जो लिखा वो अलग अलग। कोई लिखेगा कि मुझे अपना घर बचाने की फिक्र है, कोई लिखेगा मुझे अपने पैसे बचाने की फिक्र है, कोई लिखेगा मुझे जान बचाने की फिक्र है, कोई लिखेगा मुझे समाज में दुनिया में आगे बढ़ने की फिक्र है, कोई लिखेगा मुझे अपना नाम प्रतिष्ठा कमाने की या बचाने की फिक्र है। पर ये तो कोई नहीं लिखेगा कि लिखूं क्या। ये कोई नहीं लिखेगा। तो आप मुद्दे को सतह पर देखना चाहते हैं या गहरा जानना चाहते हैं? सतह पर देखेंगे तो आप कहेंगे हम सब अलग अलग हैं। देखिए, एक पापी और एक अपराधी बैठा हुआ है, उसको इस बात की फिक्र है कि अगली चोरी कैसे करूंगा। और देखिए हम उससे कितने अलग हैं, क्योंकि हमें इस बात की फिक्र है कि समाज कल्याण कैसे हो, कि दुनिया का भला कैसे हो। देखिए, आप उसका पर्चा उठाइए और हमारा पर्चा उठाइए और दोनों में गहरा विरोध देखिए, अतुलनीय है। मैं आपसे कह रहा हूं ये बात सतही है, बात सतही है, लेकिन इसी आधार पर हमारी नैतिकता, और खेद की बात है कि धार्मिकता भी सदियों से चलती रही है। हमने लोगों में अंतर इस आधार पर करा है कि उनके मन को फिक्र किसकी है। आज इस सुअवसर पर कबीर साहब हमें कुछ और ही संदेश दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बात को जाने दो कि कागज पर लिखा क्या है, तुम तो बस ये जांचो कि कागज पर कुछ लिखा तो नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम बस ये परखो कि तुम्हारे कोरेपन पर स्याही किसने चला दी, तुम्हारा कागज भर क्यों गया, कोई भी फिक्र आ कहां से गई। और मैं दोहरा रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता कि आपको फिक्र क्या है। ये बात हमें जरा अटपटी लगेगी, अहंकार को जरा चुभेगी, क्योंकि हम ये मानना चाहते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। यदि हम महत्वपूर्ण हैं तो हमारी चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। असल में हमारी चिंताएं ही हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मुझे कोई बहुत गंभीर काम अभी करना शेष है जीवन में, और सबके पास गंभीर काम ही होते हैं, कोई भी नहीं होता जो अपने आप को हल्के में लेता हो। फकीर वो जिसे संसार तो अब नहीं ही चाहिए, जिसे अब संसार के आगे का भी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप संसार से आगे की जो भी कल्पना करते हैं वो कल्पना तो आपकी ही है ना, आपकी ही मानसिकता आकृति है। आपने ही रची है। फकीर वो जिसके लिए संसार है और संसार के केंद्र में महाशून्य है।
कोई दूसरा संसार नहीं है उसके लिए। जहां कोई दूसरा संसार होता है वहां भविष्य होता है, जहां कोई दूसरा संसार होता है वहां कल्पना होती है, जहां कोई दूसरा संसार होता है वहां काल होता है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जीती मन की कल्पना काल घावे सोए। जिस किसी को कुछ भी चाहिए वो स्वयं अपने लिए काल निर्मित कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी यदि आपके मन पर डोल रहा है तो आपने अपने लिए काल निर्मित कर लिया। जो कुछ आपके मन पर डोल रहा है वो आपकी नजरों में निश्चित रूप से ऊंचा, नैतिक, महत्वपूर्ण, जीवन मृत्यु का प्रश्न होगा। पर उस प्रश्न में जीवन आप कहीं नहीं पाएंगे, मृत्यु ही मृत्यु है, काल ही काल है। तो एक सूत्र हाथ लगता है हमारे, और क्या है वो सूत्र? जो कुछ भी मन पर छाया हो समझ लेना वही दूर रख रहा है तुम्हें फकीरी से, और इसी कारण मन लग नहीं रहा तुम्हारा, इसी कारण राम भजन में उपस्थित तो रहते हो पर उचटे उचटे से रहते हो, अन्य मनस्क रहते हो। कह नहीं पाते तुम कि जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में, और कह भी पाते हो तो बस शब्दों में कह पाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें महत्वपूर्ण बता रखा है। हल्के नहीं हो पाते, बालक की तरह नहीं हो पाते। कंधे किसी बोझ तले दबे दबे से रहते हैं, फिक्र का फाका नहीं कर पाते। और आप जो सूची तैयार करेंगे अपने महत्वपूर्ण कार्यों की, अपने दायित्वों की, अपनी फिक्रों की, यदि आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूं तो आप निश्चित रूप से तर्क दे दे करके मुझे ये सिद्ध कर देंगे कि ये सारे बड़े महत्वपूर्ण काम है। देखिए साहब, आपने तो वहां आसन पर बैठ करके बोल दिया कि फिक्र का फाका करो, पर हम तो आम लोग हैं, हम अवतार नहीं हैं, हम कैसे फिक्र छोड़ दें? ये देखिए, ये परिवार के काम है, पर कोई है जो परिवार से आगे निकल जाता है, वो कहता है ये देखिए मेरे समुदाय के काम, कोई उससे भी आगे निकल जाता है, कहता है ये देखिए पूरी दुनिया पर ये संकट छाया हुआ है, कोई और भीतर को आता है। हमारे लिए भीतर की ओर आने का मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ की ओर आना ही होता है, हमारे लिए भीतर की ओर आने का मतलब आत्मा की ओर जाना नहीं होता। तो जो भीतर को आता है वो कहता है देखिए दुनिया आगे बढ़ी जा रही है, मैं पीछे रह गया, अरे हमें भी तो कुछ करके दिखाना है ना, सिद्ध करना है कि हम भी कुछ हैं। और आपने बोल दिया कि फिक्र का फाका करो, कुछ महत्वपूर्ण नहीं, कुछ गंभीर नहीं। जब तक महत्व है तब तक वो शेष रहेगा जो महत्व देता है, और जो महत्व देता है वही दुख है तुम्हारा। सूत्र को पुनः समझिएगा, जो कुछ भी तुम गंभीरता से लेते हो उसी के साथ गहरा नाता जोड़ लिया है तुमने, और वही तुम्हारी छाती में धसा हुआ शूल है। चाहे जो भी तुम ले रहे हो गंभीरता से, फर्क नहीं पड़ता क्या ले रहे हो गंभीरता से,
और जिसके तुम गंभीरता से लेते हो। कभी तुम कहते हो कि गहरा प्रेम है तुम्हारा उससे, कभी कहते हो गहरा द्वेष है तुम्हारा उससे, कभी तुम कहते हो धर्म तुम्हारा वो। पर धर्म यदि धर्म है तो वो तुम्हें मुक्ति सिखाता है, और एक ही मुक्ति होती है, मन से मुक्ति, उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं होती। किसकी मुक्ति? मन की मुक्ति। किससे मुक्ति? मन से मुक्ति। धर्म वही जो मन को मन से मुक्ति की ओर ले जाए। आप इन साखी ग्रंथ उठाएं, मन को उन पर ध्यान दें, तो केंद्रीय बात आप देख ही पाएंगे कि ये छटपटाती हुई बेचैन शय का नाम है मन। जो लगातार परेशान है, उधेड़बुन में है, चिंतित है, अपने लिए चिंतित है, फकीर हो जिसने अपनी गंभीरताओं को ध्यान से देखा, पूरे ध्यान से, पूरी ईमानदारी से, और समझ गया कि झूठ है ये सब, यही साधना है, यही योग है। प्रथम दृष्टया असंभव लगेगा आपको, इसको मैंने प्राणों से बढ़कर मान रखा है, वही रोग है मेरा, हाँ वही बीमारी है मन की। वो चाहे जिस रूप में मन पर आती हो, भेद मत करिएगा, बिल्कुल भेद मत करिएगा। मन के पास जो कुछ भी जिस भी रूप में आता हो, अंततः वो मन का आहार ही बन जाता है, अंततः वो अहंकार को और पुष्टि ही देता है। ज्ञानियों से ज्यादा मन के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं, शोध न किया, पर वो सारा ज्ञान मन तो मन की खुराक ही गया ना। मन मन के बारे में जान करके और बड़ा मन हो गया, और मन नहीं हुआ। अभी भी आप यहां बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं चल रही होंगी। एक तो ये कि हम और आप संपर्कित हो गए हैं, एक आदमी है जुड़ा आ गया है, और वो जुड़ा बाकी सब कुछ छुड़वाए दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वजन सा कम हुआ जा रहा हो। और दूसरा ये कि आप सुन रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं, ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। कई बार होता है कि मैं बात करता हूं, उसके बाद
कोई आते हैं और वो कहते हैं कि याद नहीं कि क्या क्या कहा आपने, और अक्सर वो इस बात को जरा ग्लानी के भाव से लेकर के आते हैं कि अरे हम तो कुछ संचय ही नहीं कर पाए, हम तो कुछ भी स्मृति में डाल ही नहीं पाए, याद नहीं कुछ क्या कहा आपने। और मैं उनसे कहता हूं कि आपने खूब सुना, आपने पूरा सुना, शब्द थोड़े ही इकट्ठा करने थे, मन को आगे थोड़े ही बढ़ाना था, और फिक्र थोड़े ही पैदा करनी थी, भला एक कुछ याद नहीं आ, बैठे थे ना और पूरी तरह बैठे थे ना, तो ऐसे ही बस बैठे रहे आसन में। मन लागो यार फकीरी। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, एक और तो फकीर वो जो मन को हल्का करता चले, मन को मन से ही मुक्त कराता चले, दूसरी ओर हम सुन रहे हैं कि मन लग गया फकीरी में। तो बात सहज सामने है, मन अपने से ही उबा हुआ है, हम अपने से ही परेशान हैं, और जब हल्का होता है मन तो गा उठता है कि जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख न हो मेरी में। फकीरी का अर्थ क्या हुआ? मन से मुक्ति, और मन से मुक्ति में मन को तकलीफ नहीं है। हाँ, मुक्ति की कल्पना में जरूर तकलीफ है, इसीलिए आप मुक्त हो नहीं पाते। जब भी कभी मुक्ति की बात चलती है तुरंत माया एक खेल रचती है, वो आपके सामने मुक्ति की एक छवि रख देती है, तस्वीर रख देती है, और उस तस्वीर में कुछ कष्टप्रद होता है आपके लिए। आप कहते हो ना ना ना, मुक्ति डरावनी भयावह है, हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। अभी भी हुआ क्या है, मैंने आपसे कहा कि एक पर्चे पर लिखिए कि क्या क्या फिक्रें छाई हुई हैं आप पर, और फिर मैंने कहा कि जो कुछ भी मन पे छाया है तो वो छल ही है, तो वो छद्म ही, और जो उससे आगे निकल जाए सो ही फकीर। क्या ऐसा नहीं हुआ हम में से कईयों के साथ कि हमने कल्पना कर ली हो कि ये सब जिसकी मुझे फिक्र है इसे छोड़ कैसे दूं, और छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? क्या मन तुरंत ही चला नहीं गया था भविष्य में? क्या मन ने तुरंत ही छवियां नहीं रची थी? इन छवियों के कारण ही आप फिक्रों को छोड़ नहीं पाएंगे। आप बंधन में रहे हैं, आप बंधन जानते हैं। कोई आता है आपसे कहता है कि बंधन के आगे भी जीवन है। देखिए मन की प्रक्रिया, मन तुरंत बंधन के आगे की जीवन की कल्पना में उतर जाता है। अब प्रश्न यह है कि जब आपने मात्र बंधन ही जाना है तो उसके आगे की कल्पना आप कर कैसे सकते हैं? जिस क्षेत्र में आप कभी प्रविष्ट नहीं हुए, जिससे आपका कोई परिचय नहीं, उसका आप खाका क्यों खींच रहे हैं? सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, बिल्कुल एक अंधी कल्पना,
जिसका कोई सार्थक आधार नहीं, पर वो कल्पना हम करते जरूर हैं। मैं युवा लोगों से बात करता हूं और दसियों बार ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि इस दुनिया में अगर सब बुद्ध और राम और कृष्ण और कबीर जैसे ही हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, आपसे भी पूछा गया होगा, ये सवाल किसी के लिए नया नहीं है। उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता कि इस प्रश्न में कितना गहरा अज्ञान है और कैसे उनका ही मन उन्हें धोखा दे रहा है। बुद्ध को तुम जानते नहीं, राम को तुम जानते नहीं, पर कल्पना तुम ये करना चाहते हो कि यदि सब राम हो गए तो दुनिया का क्या होगा। ठीक उसी तरीके से हम भी लगातार मुक्ति की कल्पना कर बैठते हैं और वो कल्पना कुछ बड़ी प्रिय नहीं होती, अपने ही द्वारा रची गई कल्पना से फिर डर करके हम मुक्ति के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी ही मुक्ति के। हम कहते हैं नहीं चाहिए, हमारे बंधन ही ठीक है, हम जैसा हैं वैसे भले। मैं दोहरा रहा हूं, मुक्ति की कल्पना में कष्ट है, मुक्ति में नहीं। यदि मुक्ति में कष्ट होता तो कैसे गाते कबीर साहब कि जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नहीं है मेरी में। और ये जिस सुख की बात हो रही है वो सुख नहीं है जो हमें मिलता है, जो दुख की परछाई की तरह है, जो आता है जाता तो बाद में है, जाने से पहले भी वो लगातार डराए रखता है कि कभी भी जा सकता हूं। आप अपने सुख के क्षणों में जाएं, वहां आप डर को छुपा हुआ पाएंगे। दुख में तो हम दुखी रहते ही हैं, सुख में और ज्यादा दुखी रहते हैं कि कहीं ये सुख छिन न जाए। कभी देखा है आपने कि आप अपने सुख को बचाने की, संरक्षित करने की कितनी कोशिश करते हैं? आप सुख बचाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं बिना दुखी हुए? देखा है कभी आपने कि सुख के क्षण को आप कितनी जल्दी जल्दी भोग लेना चाहते हैं, लूट खसोट लेना चाहते हैं कि कुछ मिला है जल्दी से पी जाओ उसको, क्योंकि डरे हुए हैं। और जो डरा हुआ है वो सुखी कैसे हो सकता है? जब सदगुरु उनसे कह रहे हैं जो सुख पाऊं राम भजन में, तो वो हमारे वाले सुख की बात नहीं कर रहे हैं। शब्द भले ही वही है, वो सुख दूसरा है। वो सुख वो है जिसे उपनिषद आत्मिक आनंद कहते हैं। वो सुख वो है जो हमारा स्वभाव है। मन अपने से मुक्त हो करके आनंद पाता है, मन अपने से मुक्त हो करके आनंद पाता है, और मन को मन से बांधती हैं मन की चिंताएं, वो सब कुछ जो मन को जरूरी, महत्वपूर्ण, गंभीर, केंद्रीय लगता है, वही है आपकी मुक्ति के रास्ते में बाधा। वही है वो राज जो फकीर ने समझ लिया है और हम समझ नहीं पाते। मुझे जो कुछ भी चाहिए, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा फर्क नहीं पड़ता, आप उसे किस नाम से बुलाते हो, किस वर्ग का है, किस श्रेणी का है, मान्य है अमान्य है, नैतिक है अनैतिक है, व्यक्ति संबंधी है वस्तु संबंधी है, फर्क नहीं पड़ता। आपके मन पर छाया हुआ है ना, और इसमें
किसी तरीके का कोई अपवाद नहीं है। ये कहने मत चले आइए, देखिए बाकी सारी फिक्रें तो फिजूल होती हैं, पर मुझे ये वाली फिक्र है। निश्चित रूप से ये खास फिक्र तो फिजूल नहीं हो सकती, कृपा करके इसे अपवादों की सूची में डालें। ना अपवादों की कोई सूची नहीं होती, फिक्र माने फिक्र, चाहे वो कैसी भी। फिर कह रहा हूं और मैं बार 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 कहूंगा, फिक्र माने फिक्र, चाहे वो कैसी भी हो। और जिसको फिक्र होती है उसकी नजरों में उसकी फिक्र हमेशा बड़ी और जरूरी और गंभीर और केंद्रीय होती है। वही है जो आपका रास्ता रोके खड़ी है, वही है जो आपको आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। राम कोई और है क्या? शुद्धतम रूप में आप जो हैं उसी को तो राम कहते हैं। आप का शोधन, आपका रेचन, आपकी सफाई ही राम की प्राप्ति है। आप फिक्रों से मुक्त हो जाइए, आप ही राम हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, हमें नहीं जाना है, हम ही हैं। हम ही हैं, पर हम तब होंगे ना जब पहले हम उस सब की व्यर्थता को देखेंगे जो हम नहीं हैं। आत्म और अनात्म के भेद को समझ पाना ही विवेक है। अनात्म माने वो जो तुम नहीं हो, तुम नहीं हो माने जो तुमने पाया है बाहर से कहीं से, फिक्रे लेके पैदा हुए थे, लेके पैदा हुए थे। पैदा होने के क्षण से ठीक पहले कोई फिक्र थी? शरीर था, तुम थे, अरे समय भी था क्या? ये सब तो मिला है ना, देह धरे का दंड है, मिला ही तो है। जो मिला है वो तुम नहीं हो सकते, और मिला है उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कृपा और अनुकंपा मिलती है, मिला है उस अर्थ में जिस अर्थ में झीनी चदरिया को मैल मिलती है। मैल कोई भगवत कृपा तो नहीं होती। मिला है उस अर्थ में जिस अर्थ में तृष्णा मिलती है। मैल तो फिर भी पदार्थ है, वस्तु है, पर मृग मरीचिका वो मिलती है और होती भी नहीं। उस अर्थ में हमें हमारी फिक्रें, हमारी चिंताएं, हमारी गंभीरताएं मिली। बड़ी भूल कर जाते हैं हम। एक बार यूं ही कुछ मित्रों से बात कर रहा था, तो यही पंक्तियां का ही नहीं पंडा गोया फकीरी में, तो वृद्धवर बैठे हुए थे, उसके बाद आके बोले बड़ा रस आया आज, तो बड़ा आनंद आया। मैंने कहा मेरा सौभाग्य। बोले अब फकीरी में मन लग गया। मैंने कहा 15 चीजों में पहले ही लगा हुआ था, उनका क्या हुआ?
बोले नहीं, यही तो कहा गया है ना कि फकीरी में मन लगाना है, ये थोड़ी कहा गया है पहले वाली बाकी सब छोड़नी है। बोले यही तो संदेश था ना कि फकीरी में मन लगाओ, तो फकीरी में भी लग गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 15 किलो वजन तुम्हारे ऊपर पहले था, 16वां किलो तुमने और रख लिया, ये फकीरी में भी मन लगाना है। 15 टुकड़े मन के पहले थे, अब 16वां तुमने और निर्मित कर लिया। बोले और क्या कर रहा था, घंटे दो घंटे से आप और क्या बता रहे थे, यही तो था। वो सज्जन आज भी यहां मौजूद है, वो हम सबके भीतर बैठे हुए हैं। मैं दोहरा रहा हूं, मेरा काम ही है दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना, चौहराते जाना। फकीरी कुछ है नहीं अपने आप में, जो कुछ है अस्तित्वमान उससे मुक्ति का नाम है फकीरी। फकीरी को एक वस्तु और मत बना लीजिएगा कि जैसे आप 17 चिंताएं करते थे वैसे भी चिंता आप ये भी करते हैं कि सूची बनाई थी क्या क्या महत्वपूर्ण है, पत्नी महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है, दफ्तर महत्वपूर्ण है, बाजार महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है, राम महत्वपूर्ण है। अब आज बढ़िया सत्संग करके आए, एक महत्वपूर्ण चीज और मिल गई, क्या? फकीरी। फकीरी का अर्थ ये नहीं है कि आपके भरे हुए कागज को और भर दिया जाए, फकीरी का अर्थ है कि चादर को धोना है। कागज कोरा हो जाना है, वो कोरापन आत्मा है, वो कोरापन राम है, वो कोरापन स्वभाव है आपका। संतों ने, अवतारों ने कभी आपको कुछ दिया नहीं है, वो आते हैं आपसे लेने के लिए। और अगर आपकी पकड़ जरा ढीली पड़े तो वो लेकर चले ही जाएंगे। हरि का अर्थ ही है जो हर ले, जो ले जाए। अभी भी आपसे जो कहा गया है छंद के माध्यम से, वो यही कहा गया है कि छोड़ो, अपनी पकड़ को हल्का करो, कुछ दिया नहीं गया है। कुछ नया नहीं बताया गया है, ये नहीं कहा गया है कि आत्मा की प्राप्ति करनी है। आप जिन जिन चीजों की प्राप्ति का सोचते हैं उन सबको तो कबीर साहब ने लगातार झूठा ही ठहराया है। धर्म, मुक्ति, मोक्ष, शास्त्र, ये लोग वो लोग, किस्से कहानी, शांत रहें, हल्के रहें, उड़ान न भरें। पकड़ना आपका स्वभाव नहीं है, आप स्वयं छोड़ देंगे अगर आप कल्पना न करें कि छोड़ने के बाद क्या स्थिति बनेगी। आप में से जिन्होंने भी बस शांत होकर सुन लिया वो स्वयं जान जाएंगे कि छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। पर जिन्होंने भी दीवार बनाई, जिन्होंने भी जांचना परखना चाहा, जिन्होंने भी जरा ज्यादा होशियारी दिखाई, बुद्धि का उपयोग किया, वो फंस जाएंगे क्योंकि उन्हें तर्क मिल जाएगा
और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो इतनी महीन है कि उनके खिलाफ आपको तर्क बड़ी सुविधा से मिलेगा। सत्य से अधिक प्रबल कुछ नहीं। और मैं आपसे यह भी कहता हूं कि एक मायने में सत्य से ज्यादा कमजोर कुछ नहीं। क्योंकि आप उसके विरुद्ध बड़ी आसानी से अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। जो जानता है उसकी दृष्टि से देखो तो सत्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो उसके सामने बस समर्पण ही किया जा सकता है। और समर्पण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि समर्पित करने वाला भी तो सत्य ही है। जब दो है ही नहीं तो कौन किसके सामने समर्पण करेगा। पर यदि हमारी दृष्टि से देखो, आम संसारी या ज्ञानी की दृष्टि से देखो, तो सत्य बड़ी छोटी बड़ी तुच्छ चीज है। प्रमाण है, आप देखिए ना कि आप अपनी छोटी से छोटी सुविधा से भी छोटा रखते हैं सत्य को। आपको हो कोई शास्त्र पढ़ना हो और आप बैठे हो और ठीक तभी बगल में आपका फोन बज उठे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए फोन को छोड़ पाना, मन से निकाल पाना। आपने किसको ऊपर रखा, सत्य को या फोन करने वाले को? तो फोन करने वाला हो सकता है आपसे कोई 10, 20, 5, अरे 10 लाख रुपए की चीज के लिए फोन कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। शांत हो लेंगे समझ जाएंगे। शांति ही समझ है। सोचेंगे, विचारेंगे, बात को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करेंगे तो बात आपके अनुकूल बन जाएगी। आप जैसे हैं ये बात भी वैसी ही हो जाएगी। यही तो किया है ना, हम जैसे होते हैं बातों को बिल्कुल वैसा ही बना लेते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने कबीर साहब के 100 पदों को लिया और उनका अंग्रेजी अनुवाद किया और उस पुस्तक को बड़ी प्रसिद्धि भी मिली। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसमें से मात्र 6 रचनाएं असली थी। और ये काम किसी साधारण जन से नहीं हो रहा है, ये रवींद्रनाथ टैगोर से हो रहा है। हम वो सब कुछ चुन लेते हैं जो हमें पसंद है। चौरानवे प्रतिशत किसी और का कृतित्व। बात को कोरा ही रहने दीजिएगा, बात को बात भी मत रहने दीजिएगा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। इतना कुछ आपके पास पहले से है, दुश्मन थोड़े ही हूं आपका कि कुछ और भी दे दूं। आप बहुत अमीर हैं, अब अमीरी का अर्थ स्पष्ट हो रहा है।
कोई कुछ कहना चाहेगा? अमीर कौन, अमीर कौन? जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीर कौन? जिसने खूब इकट्ठा कर रखा है वो अमीर। जिसने खूब इकट्ठा कर रखा है वो अमीर। और क्या इकट्ठा किया जाता है? सिर्फ फिक्रें इकट्ठी की जाती है, ज्ञान इकट्ठा करने का नहीं। ज्ञान खाली होने का नाम है, निवृत्त है ज्ञान, मुक्त है ज्ञान। हमसे क्या कह रहे हैं सद्गुरु? जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। अमीरी से बचिएगा, दौलत संपदा हमेशा मानसिक होती है। मन में जो कुछ भी है, मन उसी को अपनी दौलत समझता है। बेहूदी से बेहूदी बात आपके मन में होती है, पर देखिए आप उसे कैसे संरक्षित करते हैं। कभी देखा है दो लोगों को बहस करते हुए? कोई मूर्खतापूर्ण मुद्दा होगा, राजनीति की कोई छिछोरी सी बात, और लगे हुए दोनों बहस कर रहे हैं। उन दोनों व्यक्तियों में और ऐसे दो व्यक्तियों में क्या अंतर है जो अपना रुपया पैसा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो? दो लोग हैं जो इस खातिर लड़ रहे हैं कि कोई उनकी जायदाद न चुरा ले जाए, और दो लोग हैं जो इस खातिर बहस कर रहे हैं कि दोनों में से किसका तर्क श्रेष्ठतर है, किसका मत ऊंचा है। इन दोनों की ऊर्जा और हिंसा में कोई मूल अंतर है क्या? इन दोनों की ऊर्जा एक ही स्रोत से आ रही है, चारों की। मन के पास जो कुछ भी है, मन उसी को अपनी संपदा समझता है और उसे जाने नहीं देना चाहता। आप देखिएगा, अभी अभी कबीर साहब ने हमें अमीरी के बारे में क्या बताया, पर हमारे पास अमीरी को लेकर के पहले से ही एक धारणा और एक परिभाषा है। तो मैं पूछ भी रहा हूं कि अमीरी का क्या अर्थ है, तो आप वो नहीं बता रहे जो हमें भजन बता रहा है, आप वो बता रहे हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है, क्योंकि वही आपकी अमीरी है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। आप कहते हैं, कहते होंगे संत और अवतार कुछ भी, वो तो उनकी बात है ना, मैं तो वही पकड़ के रखूंगा जो मेरा धन है। और मेरा धन क्या है? मेरी धारणाएं और मेरे विचार। फकीर बनिए, अपने आप को जरा हल्के में लीजिए, अपने आप पे हंसना सीखिए। आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी संपदा नहीं है, आपकी अमीरी नहीं है, वो बोझ है आपका, जो कुछ भी है। और जो कुछ भी है में वस्तुएं बाद में आती हैं, विचार पहले आते हैं। आपकी संपदा कम होती हो, आप एक बार को झेल जाते हो। आपकी पहचान मिटती हो, आप नहीं झेल पाते। कोई कह दे आपसे कि आप भिखारी हो, आपको कम बुरा लगेगा, क्योंकि भिखारी का अर्थ इतना ही है कि वस्तुएं कम है जरा। पर कोई आपसे ये कह दे कि तुम बुद्धिहीन हो और पागल हो, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। प्रयोग करके देख लीजिए, बच के करिएगा प्रयोग, पर करिएगा जरूर। हम सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं,
हमारे लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही सब कुछ है, उससे ऊपर हम किसी को नहीं रखते। हम कहने को समर्पित होते हैं, हम जा करके ऊपर ऊपर से कहीं भी सर झुका सकते हैं, पर हकीकत यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा स्व होता है, सबसे बड़ी हमारी अहंता होती है। सर झुकता ऊपर ऊपर से है, भीतर भीतर हम कहते हैं सर भी हम वहीं झुकाएंगे जहां हमारी धारणाएं अनुमति देंगी। तो तुमने सर किसके सामने झुकाया? अपनी धारणाओं के सामने ही तो झुकाया। सर झुकेगा मेरा, पर मेरे भगवान के सामने। किसका भगवान? मेरा भगवान। तो बड़ा कौन हुआ? भगवान से भी बड़ा मैं हो गया। ये सब कुछ थोड़ी बहुत गैर जरूरी महत्वहीन बातें थी जो मैंने कही। कोई भाव देने की, कीमत देने की जरा भी जरूरत नहीं है।